शैतान का नाम सुना? वो शैतान मैं हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, धनुष की फिल्म रिलीज होने वाली है 12 तारीख को, हिंदी में रिलीज करने जा रहे हैं वो। नाम है पिक्चर का कैप्टन मिलर। मेरे साथ में फर्स्ट मुंबई गोलू ने ज्वाइन किया है, दोनों ने देखा है ये ट्रेलर, दोनों डिस्कशन करेंगे कि ये ट्रेलर कैसा है और क्या हिंदी सर्किट में ये पिक्चर कमाल कर सकती है या नहीं, कैसा लगा ये ट्रेलर। सर जी, अगर सिर्फ ट्रेलर की रिव्यू की बात करें तो ऐसा है ना, एक्सपीरियंस ये थोड़ा मासी टाइप था और जो भी किल शॉट्स थे सर जी, वो बीट पे बर बर बिटाए हुए थे। हाँ। जो मैच हो रहे थे वो एक बहुत ही अच्छा एक तरीका है, क्रिएटिव वे है किसी को दिखाने का, एक्शन सीन्स जो भी एक्शन सीक्वेंस में मैच हो रहे थे, मैच में मैच हो रहे थे बीट, राइट। लेकिन सर इसमें कहीं ना कहीं एक बात है ना, मतलब दिक्कत वाली, जैसे आप बोलते हो ना धनुष, धनुष को हमने बहुत साउथ की पिक्चरों में देखा है कि उनकी मतलब बहुत सी पिक्चर है बोल सकते हैं, जैसे एक मारी रही है उनकी जो बहुत वर्ल्ड वाइड मतलब बहुत चली है और उनकी फैन फॉलोइंग कहीं ना कहीं वही एक मूवी से बहुत बड़ी है। तो सर जी एक मेरे को प्रॉब्लम क्या लगता है, मान ली मेरे साउथ वालों का, मैं सभी साउथ वालों को गिनता हूँ इसमें, क्योंकि इन लोग प्रमोशन करने नहीं आते सर, प्रमोट करने नहीं आते। अब 12 तारीख में बची कितने दिन है सर, आज खुद आई थिंक सो 9 तारीख के 8 तारीख है ना, 2-3 दिन बाकी है और आज आप हिंदी ट्रेलर ला रहे हो। तो सर आई नो धनुष इज अ सुपर स्टार एंड स्टार, वो बहुत बड़ी बात है सर, वहाँ के लिए है, यहाँ के लिए भी है, पर सर हमने उनको कौन से रूप में देखा है, वाई दिस कोलावरी और फिर वो जो अतरंगी रे वही लवर बॉय टाइप में देखा है, साउथ ज्यादा यहाँ पे देखिए। यस यस, अभी भी हम बोलते हैं ना साउथ देखती है पब्लिक, मैं नहीं बोलता नहीं देखती, हम देखते हैं और भी बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो सर धनुष सर को जानते नहीं। प्रभास को क्यों जानते हैं, क्योंकि उन्होंने वैसा कुछ डिलीवर किया है पब्लिक के लिए, तो बोलते हैं अरे हाँ ये बाहुबली वाला हीरो है प्रभास। धनुष के पास वैसा अभी तक है नहीं, भले वो मारी में फेमस हुई लेकिन अभी भी मारी कहीं ना कहीं डाउन है बाहुबली को लेके। लेकिन ट्रेलर अच्छा है, मेरे को काफी मासी पैकेज लगा, कंप्लीट एक ऐसा अंग्रेजों के जमाने का जेलर है ये। हाँ, अंग्रेजों का सोल्जर दिखाया है, अंग्रेजों का सोल्जर, और जो डायलॉग बोलता है अंग्रेज वहाँ पे ट्रेलर में कि अभी तुम्हारा गांव और तुम्हारा जो मंदिर है वो सब हम अभी यहाँ से यू नो ये हमारा हो गया, हमारा हो गया करके, राइट। तो उस गांव में एक ट्रेजर है, राइट, उस ट्रेजर को बचाने के लिए ये कैप्टन मिलर क्या करता है, किस तरह से उनको बैकफायर करता है, किस तरह से उनको जवाब देता है। यस यस, तो वो अवतार अलग लेता है, अवतार अलग लेता है। लेकिन सर अगर इसके पीछे अगर हम प्रिडिक्ट करें पूरा ट्रेलर देख के, तो थोड़ा एक लेंथी स्टोरी भी है, शायद एक्सप्लेन करने को मिले तो मैं बोलूं कि सर जी पहले कैप्टन मिलर अपना ड्यूटी अच्छे से निभाते हैं, फिर शायद एक कुछ हो जाता है कि बोलते हैं ना अंदर की जमीन जाग जाती है कि यार कहीं ना कहीं आई एम इंडियन और मैं हूँ इस देश का, और ये लोग बाहर के लोग आके अपना ट्रेजर लेके जाएंगे तो कैसे चलेगा, ऑब्वियसली को कैसे लूट के लेके कैसे लूट के जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं यही स्टोरी में एक ऐसा ट्विस्ट भी शायद देखने मिलेगा कि कुछ इन्हीं के लोग कुछ इनके अगेंस्ट है, करेक्ट। और इसमें सर जो डायलॉग में भी है ना सर, एक दिन एक भूखा शेर अपने शिकार को निगलता रहता है, तो उसके बीच में लगड़ बग्गो का झुंड आ जाता है और वो भी वही शिकार पे दबोच लेते हैं, करेक्ट। और उसके बीच में से अगर एक भेड़िया आ जाए और वो शिकार ले जाए तो कैसा होगा पता है, तो वो डायलॉग में ट्विस्ट है कि एंड में क्या होगा। और वो जो थर्ड पार्टी है कौन है, एक तो ब्रिटिश हो गई, दूसरी खुद कैप्टन मिलर वन मैन आर्मी दिखा ही रहे हैं इसमें, और तो थर्ड पार्टी कौन हो सकता है। आई थिंक सो देखो प्रिडिक्शन लगा रहा हूँ, खाली वो औरतें हो सकती है या तो फिर शायद ऐसा कोई उन्हीं का गांव का गैंग होगा, ऐसा लग रहा है मुझे, जो सिर्फ वो अक्का ट्रेजर खुद खाना चाहते हैं। बाकी सर जी ये ब्रिटिश जमाने का है, वो तो दिखने में आ ही रहा है, और डॉक्टर शिवराज कुमार की भी एक झलक देखने मिली, मजा आ गया। मुंह की बात छीन ली क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत बार देख चुका कैप्टन मिलर का ट्रेलर जब से आया है, वो तो मैं आपको बोल रहा हूँ करते है, तो आज भाई लिटरली आ गए सर जी, उनको देखना, हमने उनको गोश्त में भी देखा था और अब यहाँ पे भी देखेंगे सर, कुछ वो आदमी का अलग ही लेवल बनते जा रहा है यहाँ पे नॉर्थ सर्किट में भी, मतलब बॉम्बे सर्किट में भी, लेट्स सी, मजा आएगा सर उनको भी देखने, मजा तो आएगा। देखिए अब देखते कितने स्क्रीन मिलते हैं यहाँ पे, और अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन और टाइमिंग एडजस्ट अगर हमको होता है तो हम जाएंगे पहले दिन पे ये पिक्चर देखने के लिए, और आप लोगों के लिए इसका रिव्यू हम जरूर लेके आएंगे हिंदी में देख के कि कैसी लग रही है ये पिक्चर। कैप्टन मिलर ट्रेलर अपीलिंग है, हम दोनों को पसंद आया, एंड लेट्स सी कि हिंदी सर्किट के बॉक्स ऑफिस पे धनुष कैसे कमाल करता है। लेकिन सर कहीं ना कहीं मैं एक बात बोल ही देता हूँ, अभी देखो सर ट्रेलर भले आप कितना अच्छा निकालो बुरा निकालो, सर
लेकिन एक ही दिन पे इतनी सारी पिक्चर है, आई थिंक सो 8-10 पिक्चर है जो रिलीज हो रही है, उसमें से खाली दो ही पिक्चरों के सर नाम गिने जा रहे हैं, वो एक मैरी क्रिसमस आई थिंक सो एंड हनुमान। और हनुमान का तो मैं ये भी सुन रहा हूँ कि वो लोग आए हैं यहाँ पे प्रमोट करने के लिए, कितनी बड़ी बात है सर, इनका तो नामो निशान नहीं है, तो अभी ट्रेलर डाल रहे हैं, अब भी उठे हैं सर जी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बुरा भी लगता है, तुम इतना अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हो उसका प्रमोशन ही नहीं कर रहे, और कहीं और तुम हिंदी में भी आ रहे हो तो इतना लेट कर रहे हो, ये बात हर्ट होती है। थालापति विजय तो हो नहीं कि यार घर में बैठे यार तुम्हारा स्टार यहां पे हिंदी में हाउसफुल होएगा, दिस इज वेरी सैड फॉर अस, क्योंकि कहीं ना कहीं धनुष को हमने बहुत टाइम से अपने, मैं तो बचपन से दिखते आ रहा हूँ, लेकिन तो भी एक हर्ट होता है ना यार, अपना अपन बचपन से देखते आ रहे हैं किसी को और वो ऐसा करेगा तो थोड़ा हर्ट होता है ना सर। बड़ी पिक्चर है सर जी कैप्टन मिलर, चलिए देखते हैं क्या होता है। आप लोगों को ये ट्रेलर हिंदी में डब कैसा लगा है, ट्रेलर अपील किया या नहीं किया, ये कमेंट्स में हमको लिख के बताना, और जैसे हमने कहा है कि मौका मिलेगा तो जरूर हम बहुत ऑनेस्ट रिव्यू इस पिक्चर का आप तक लेके आए। शैतान का नाम सुना, वो शैतान मैं हूँ। थैंक यू।